दोस्तों, ये क्रूड ऑयल का आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए देखा और यहाँ पर मैं रुका, क्योंकि लाइव अभी मार्केट शुरू है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट में ट्रैप होते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझाऊँ और उसके बाद निफ्टी में चला जाऊँ, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं आपसे बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में तो लाइव नहीं मिल सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करके मैं आप सभी के साथ यहाँ पर एनालिसिस करके बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर आए और जितने भी बायर उनके ट्रैप उनको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट करवाए गए, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए और यहाँ पर नीचे की तरफ जितना भी सेलर ट्रैप हुआ इसमें, उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करते हुए फिर यहाँ पर बाइंग हुई। अब इतनी ज़्यादा बाइंग हुई, ये जो हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक कर दिया गया। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, ये देखिए, यहाँ पर अब मैं लाइव ट्रैप बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रैपिंग हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ट्रैपिंग किस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ तक नीचे तक यहाँ पर सेलिंग हुआ पहले, उसके बाद यहाँ पर सभी सेलर को ट्रैप करके उन सभी जितने भी सेलर थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवाए गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी मार्केट ने, जिसका आप देख सकते हैं कि इस लाइन को ब्रेक करके उसके विक भी इस लाइन के बाहर आया। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल सभी बायर ट्रैप करवा दिए, अब यहाँ पर सेलर भी ट्रैप होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम किस साइड पर जाएँ, इस ट्रैपिंग में किस साइड पर जाएँ, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। देखिए, पहले ट्रैपिंग समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ तक बायर आए, तो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो बहुत ज़्यादा हम इस ट्रैप में फंसते हैं कि चलो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, कभी कभार जाता भी है दोस्तों, ठीक है। कभी कभार बगैर पुल बैक तैयार किए हुए मार्केट स्ट्रेट ऊपर भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही रैंडम केसेस में होता है। और ऐसी केसेस में हमें हर वक्त, हम चाहते हैं कि ऐसी केसेस हर वक्त बने और ऐसे केसेस में हम अपना ट्रेड ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये गलती है दोस्तों, ठीक है। ऐसे केस में हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ढूंढने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सब इक्वल इक्वल मुझे नज़र आ रहा है। देखो, यहाँ पर से सेलर आए बिल्कुल उतने ही बायर आए, फिर यहाँ पर सेलर आए बिल्कुल उतने ही बायर आए, यहाँ तक सेलर आए हैं, अभी बायर नहीं आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेलर ही ज़्यादा आए हैं। तो अब किसी भी साइड को ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, किसी भी साइड को मार्केट चला जाए, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, और अगर ऊपर जा रहा है तभी आपको उसमें बाइंग के साइड पे जाना है। और अगर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ही आपको पुट साइड पर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसलिए लाइव समझा दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के वीडियो में, बाद में एंड में भी देखेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी के वीडियो में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है अभी। दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी में आपको मैंने जो बोला था कि सेलिंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है, और कल ही हमारे यहाँ पर सभी सेलर के यहाँ पर निफ्टी ने स्टॉप लॉसेस हंट करवाए थे। उसके बाद स्टॉप लॉसेस हंट होने के बाद यहाँ पर बाइंग हुई, ठीक है। और उस बाइंग के बाद यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग हुई है दोस्तों, बिल्कुल सेलिंग हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टॉप लॉसेस मैंने कहा कि यहाँ पर हंट करवाए होंगे, लेकिन क्या पता, हमें क्या पता उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए हैं या फिर उन्होंने यहाँ पे भी लगाए होंगे इस लेवल के ऊपर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। या फिर ऐसा हो गया होगा कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे फिर एक बार कॉल राइटिंग किया होगा, राइट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर निफ्टी में भी हमें सेलिंग दिखाई दिया, बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया। अब कल क्या हो सकता है और कल हमारा सोच किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, ओवरऑल जो हमारा नज़रिया है कि यहाँ पर निफ्टी ने अभी हमारा जो सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था उसको अपना सपोर्ट बना लिया, ठीक है। तब हम यहाँ पर निफ्टी के लिए, सिर्फ निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं किए, ठीक है। तो सिर्फ निफ्टी के लिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज करने वाले हैं। देखिए, ये बनेगा हमारे लिए सपोर्ट,
और ये ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये छोटा सा क्यों बनाया है, क्योंकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर कल निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर नहीं जा रहा है और यहीं से नीचे घूम रहा है, तो आप यहाँ पे बिंदास पुट साइड पे जा सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई शूटिंग स्टार दिखाई दे, इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे, बेरिश इंगल्फिंग बार दिखाई दे, डार्क क्लाउड कोर दिखाई दे, तो उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशियो लेकर निकल जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, और कल मार्केट फिर बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट करा, ठीक है, नीचे नहीं गया, आपको यहाँ पर ट्रैप किया, नीचे जाके ट्रैप किया, ऊपर जाके ट्रैप किया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और अगर उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे नहीं आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे कॉल साइड पे अगर यहाँ पे कोई हैमर बनता हुआ दिखाई देता है, तो आपको वहाँ पे एक हैमर बनने पर उस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है और ऊपर की तरफ आपको कॉल के साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आज के लिए निफ्टी में, ज़्यादा यहाँ पर हम वक्त नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। तो अगर मार्केट कल कॉल साइड पे जाता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर मार्केट गलती से कल कॉल साइड पे जाता है तो बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जितना कि सेल साइड पे जाने के बाद नहीं मिलेगी, उतना कॉल साइड पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रॉपर एंट्री कर लेना, ठीक है, और एक स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा ट्रेड ले लीजिए। तो अब चलते हैं क्रूड ऑयल में, निफ्टी के लिए बस इतना ही है। क्रूड ऑयल में देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कितनी बड़ी कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहा था यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल में ये हमें उलझाते रहते हैं, हमें यहाँ पे अटकाते रहते हैं। अभी 5 मिनट में चलते हैं और यहाँ पर दिखाता हूँ, देखा फिर एक बार सेलिंग हुआ है, मतलब ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है उसको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर आप क्रूड ऑयल में भी करते हो, तो मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, जैसे मैंने ये इसी वीडियो में पहले ही बताया था कि पुल बैक लेगा और ऊपर जाएगा, तो ही आपको बाइंग करना है। नीचे आता है सेलिंग साइड पर, तब तक एंट्री नहीं लेना है दोस्तों, अपने आप पर पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है। अभी हम सबको इसे देख कर बहुत ज़्यादा, बहुत हमारे जो दोस्त हैं उन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है, और वो क्या करते हैं तेज़ तरीके से ये इसमें बाइंग कर लेते हैं। इसी सिचुएशन में आपको यही सोचना चाहिए कि अब ये तो कैंडल बन चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर बाइंग हो रही है। अब इस कैंडल में जितने भी बायर आए हैं दोस्तों, वो उनने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा, ऐसा आपको सोचना चाहिए। उन्होंने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाए होंगे, इसके नीचे लगा। इस तरीके की कैंडल देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हम इसमें एंट्री करें, तो यही तो मार्केट चाहता है आपको, ठीक है। देखिए अब ये कैंडल काफ़ी ऊपर गई और इसने यहाँ पर जितने भी सेलर थे, ठीक है, यहाँ सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस है, उन सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस को हंट करवा दिया है। लेकिन क्या ये ऊपर की तरफ सस्टेन करने वाली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हंट नहीं किया है अभी, यहाँ पर सेलर यहाँ तक शुरू हो चुके थे, तो उनके स्टॉप लॉसेस कुछ इस ऊपर के लेवल पे हो सकते हैं, यहाँ इस लेवल पे हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। देखो मैं लाइव आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और बता तो रहा हूँ एकदम साइलेंटली बता रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनने के बाद जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो यहाँ पर एकदम श्योरिटी से एंट्री करते हैं दोस्तों, और यहीं पे उनके स्टॉप लॉसेस भी हंट होते हैं। देखिए हमें इसी साइड पे एंट्री करना है दोस्तों, लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम एंट्री भी करते हैं, स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस भी हंट होता है। अब जब स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो उसके बाद हमें ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए अब यहाँ पर जितने भी बायर आए हैं, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग करके यहाँ तक उनका स्टॉप लॉस हंट करवाए, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर चला जाए। और अगर दोबारा यहाँ से नीचे आता है और यहाँ के जो नीचे वाले बायर हैं उनका स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे श्योर शॉट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यही देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, कैंडल बड़ी करता हूँ, आप देखना यहाँ पे कितनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। बस ये वीडियो मुझे आपको इसलिए दिखाना था दोस्तों,
जो हम इम्पेशेंटली ट्रेड करते हैं वो हमें कम करना है। यहाँ पर और भी बायर फंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा बायर आएंगे, ठीक है, और भी बायर आएंगे इसमें। सटीक एंट्री तो तभी बनेगी जब हमें अच्छा खासा उस लेवल से नीचे की तरफ, ठीक है, आए मार्केट, स्टॉप लॉसेस हंट हो, ठीक है। अगर स्टॉप लॉसेस नीचे आने के बाद भी हंट नहीं हो रहे और उसके बाद बाइंग दे रहा है तभी हमें उसमें एंट्री करना है। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। अगर हमें अच्छा खासा अगर यहाँ पर कोई ट्रेड दिखाई दे या फिर एक एनालिसिस के लिए मैं इसके ऊपर भी कंटिन्यूशन पे एक वीडियो बना सकता हूँ थोड़ी देर बाद, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है और किस तरीके से कौन से लेवल पर हमें एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपके साथ लाइव भी रहता तो लाइव रहने के बाद मैंने आपको परफेक्ट एंट्री भी दे देता, लेकिन यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन सकता है और मैं अभी आपके साथ लाइव नहीं आ सकता, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।